अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और रेसिपी के साथ मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी मटन यखनी। तो इसके लिए मैंने 1 केजी मटन लिया है, जिसे मैंने पानी, गर्म पानी में और नमक डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल लाया है, ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ इसकी निकल जाएंगी। और मैंने 1.5 केजी दही लिया है, 1 मीडियम साइज़ ऑनियन और 2 अदरक के टुकड़े, 4-5 से 6 लहसुन की कलियां, 3 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 2 से 4 तक काली मिर्च। इन सारे साबुत मसालों को मैं ट्रेडिशनल ग्राइंडर में यानी मोर्टल और पेस्टल में ग्राइंड करूंगी। और ज़ीरा है जो मैं डायरेक्टली फ्राई में तेल में फ्राई करूंगी, और पुदीना लास्ट में करी में ऐड करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक कुकर में लिया है, आप किसी भी बर्तन, कोई कॉपर वेसल ले सकते हैं, तो मैंने कुकर ही लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जो पूरी तरह से गर्म हो गया है और इसकी स्मोक भी निकल गई है। तो अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें 1 मीडियम साइज ऑनियन ऐड कर रही हूँ। ऑनियन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट प्याज पकाने के बाद मैं वो सारे मसाले जो मैंने मोर्टल और पेस्टल में ग्राइंड किए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी और उनको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी, जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, बिल्कुल हैंड मिक्सर से मैंने इसको अच्छी तरह से पतला किया है। तो अब मैं ये इसमें ऐड करूंगी। अब गैस की फ्लेम जो है मैं हाई करूंगी और दही को अच्छी तरह से पकाऊंगी। तब तक मुझे इसको चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसको उबाल आएगा। चम्मच हम बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल हिलाते रहेंगे और जब तक इसको उबाल आएगा। फिर अब देख लीजिए, दही बिल्कुल पक रहा है, अच्छे से उबाल आया है इसको। तो अब मैं इसमें हसबे ज़रूरत नमक ऐड करूंगी और पुदीना ऐड करूंगी और इसे धीमी आंच पे 10 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी, जब तक थोड़ा सा दही जो है वो थिक हो जाएगा, दही की जो करी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। दस मिनट तक पकाने के बाद जो हमारी करी है वो थिक होने लगी है, तो अब हम इसमें ये मीट ऐड करेंगे और इसको आधे घंटे तक धीमी आंच पे पकाएंगे। आधा घंटा धीमी आंच पे पकाने के बाद हमारी जो यखनी है एकदम से तैयार है। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये दूर से ही, और ये एकदम से सॉफ्ट भी हो गई है, अच्छी तरह से घुल गया है मीट सारा, और जो इसकी करी है बिल्कुल थिक हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।